भेंट मुलाकात के अगले पड़ाव में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहुंचे बस्तर की पावन भूमि में, जहां सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा से शुरू हुआ जनसंवाद और निरीक्षण का दौर। कोंटा श्री राम लिंगेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शनोपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंटा का किया निरीक्षण और जाना मरीजों का हाल, मिलने वाली सुविधाओं और अन्य आवश्यक जरूरतों को जाना। हमारे आदिवासियों की आस्था के केंद्र देवगुड़ी को सहेज रही भूपेश सरकार, आज 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने जा रही 100 देवगुड़ियां की समर्पित। छिंदगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल के नव निर्मित भवन का लोकार्पण हुआ संपन्न, जहां सुदूर अंचलों से आने वाले बच्चों को मिलने जा रही है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की सुविधा, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हाईटेक लेबोरेटरीज की सुविधा। सुकमा पहुंच छत्तीसगढ़ के अपने शॉपिंग स्टोर सी मार्ट का किया लोकार्पण, जिसके संचालन में लगी स्व सहायता समूह की महिलाओं का बढ़ाया हौसला। छत्तीसगढ़ के वनोत्पाद और वनवासियों द्वारा निर्मित उत्पादों के बारे में जानकारी ली और सी मार्ट के जरिए देश दुनिया तक हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान बिखेरने को प्रोत्साहित किया। बस्तर अंचल के आदिवासियों से हुई भेंट मुलाकात, जाना सबका हाल, पूछा कैसी चल रही है जनता की सरकार, जन सरोकार से जुड़े फैसलों और योजनाओं पर लिया फीडबैक, जन समस्याओं को सुना और चौपाल पर ही किया निदान। अब नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है हमारा सुकमा, हमारा बस्तर, ये है हमर छत्तीसगढ़।